हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट सिक्स, एक्सरसाइज 6.2 और 6.3। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चन रह गए थे, ई और एफ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन्हें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इन्हें इनके प्रोडक्ट निकालने, इन सब की मल्टीप्लाई आपस में करनी। तो स्टूडेंट, इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको 190 की मल्टीप्लाई 11 में करनी होगी, और फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 9 से करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो जी स्टूडेंट, हम पहले 11 से कर लेते हैं। 11 से करने के लिए पहले 1 से करेंगे। 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो वह नंबर सेम नीचे आ जाता है, ये आ गया। अब जो पहले डिजिट होती है उसके नीचे क्रॉस लगा के फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर दोबारा भी ये नंबर सेम आ जाएगा। अब ऐड कर लेंगे, दो लाइन के बीच में जो भी डिजिट होगी उन्हें ऐड करेंगे। 9 1 10 कैरी 1 1 1 2। तो स्टूडेंट, अब जो भी आंसर आता है उसे यहाँ पे लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। पहले हमने 11 से किया, अब 9 से करेंगे। नाइन जीरो जीरो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 80। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब 3 से करेंगे, 3 0 0 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 8 जा 24 2 26 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्टीन की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। तो स्टूडेंट, 14 2 जा 28। ठीक है, अब पहले डिजिट के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और 14 1 जा 40। अब ऐड कर लेंगे, 8 का 8 6 और 1। ठीक है जी, जो भी आंसर आया उसे ऊपर लिखेंगे। अब उसकी मल्टीप्लाई 92 में कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमने 12 से कर ली पहले, अब 92 से कर लेंगे। स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो भी डिजिट है उसे वो डबल हो जा, है ना, यानी कि 5 है तो 10 हो जाएगी, 10 है तो 20 हो जाएगी, है जी, 50 है तो 100 हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे 8 8 16 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3। देखो स्टूडेंट, यही आगा, मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 2 8 जा 16 कैरी 1, 6 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1 और 2 1 जा 2 और 1 3। आया ना यही। अब 9 का टेबल टाइम पढ़ना है आपको, 9 8 जा 72 कैरी 7 और 9 6 जा 54। अब जोड़ लो, स्टूडेंट कितना हो गया 11, ये हो गया 61, तो 1 यहाँ पर आ गया और 6 कैरी के लिए चला गया, है ना जी। अब 9 1 जा 9 और 6 15
अब ऐड कर लीजिए, सिक्स का सिक्स थ्री आर टू फाइव, फोर थ्री आर वन फोर, और जी फाइव के फाइव और वन का वन। अब इसे यहाँ लिख लीजिए, अब स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, सेवनटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, कैरी फोर, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और फोर थर्टी नाइन, कैरी थ्री, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और थ्री थर्टी वन, कैरी थ्री, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और थ्री थर्टी एट, कैरी थ्री, और सेवन वन जा सेवन और थ्री टेन। अब यहाँ एक क्रॉस, ओके स्टूडेंट, अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम का सेम आंसर रहेगा, टू फाइव नाइन और सिक्स फिफ्टीन हो जाएगा, कैरी वन, फाइव और वन सिक्स और वन सेवन, और जी एट और फोर ट्वेल्व, कैरी वन, और फाइव वन सिक्स और वन वन टू। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर वन, स्टूडेंट हम प्रीवियस वीडियो में आपको बोर्ड मार्क्स के बारे में बता चुके हैं, है ना, तो इसमें आपको बोर्ड मार्क्स का नियम लगाना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ इतना ही बता रहे हैं हम, जितनी आवश्यकता है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। पहले क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई के बाद में आपको क्या करना, प्लस, और प्लस के बाद हमें क्या करना है, माइनस, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है, ये रही मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, ओके स्टूडेंट। बोर्ड मास का नियम कहता है, पहले ब्रेकिट फिर ऑफ, ओके स्टूडेंट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी, ये बोर्ड मार्क्स का नियम है। कहीं एक अगर एक क्वेश्चन में एक से अधिक साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रेकिट ऑफ, है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले उन्हें हम बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार, रूल के अनुसार ही उसे सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो अब इसमें वन टू और थ्री, है ना, थ्री प्रकार के चिन्ह हैं मल्टीप्लाई के, प्लस के और माइनस के। अगर इन ये तीनों चिन्ह एक साथ होते हैं तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके स्टूडेंट। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, अलेवन टेन जा कितने हो जाएंगे, वन हंड्रेड टेन। अब स्टूडेंट प्लस का जो चिन्ह है सेम का सेम लगा देंगे, क्योंकि हमने पहले ये सोल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया वन हंड्रेड टेन, प्लस सेम का सेम लगाएंगे। अब थ्री फाइव जा फिफ्टीन, अब स्टूडेंट आगे माइनस का चिन्ह है, सेम का सेम लिख देंगे, अरे एट्टी नाइन जा वन हंड्रेड सिक्सटी टू, ठीक है जी। अगर आपको एटीन का टेबल याद नहीं आया तो यहाँ एटीन और नाइन की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, प्लस, तो हम इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, इन दोनों को, और जो आंसर आएगा इसके नीचे लिखेंगे, कितने हो जाएंगे जी, टेन और फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव हो जाएंगे, तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ गया। अब ये दोनों सोल्व हो गए तो क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है और यहाँ वन हंड्रेड सिक्सटी टू है, ठीक है जी। तो लेकिन इसमें से माइनस करना हो हमें, अरे इधर बड़ी डिजिट है, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इन्होंने बुक वालों ने थोड़ा सा ये इसलिए स्टैंडर्ड का नहीं है कि भाई फोर्थ क्लास के स्टैंडर्ड का, ये सिक्स क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें ही माइनस में सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आप ध्यान दें, जो ये बड़े वाली डिजिट है हमेशा बड़े में से ही छोटी माइनस होगी, तो स्टूडेंट ये माइनस का है
यहाँ और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट इधर से केट ले लेंगे, यहाँ 12 हो गए। अब 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, 7 बच गए और यहाँ रहेगा 5। 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3 और 1 में से 1 गया 0। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 33 आ गया। लेकिन हमने इसे उल्टा माइनस किया, इस वाले में से माइनस कर दिया ऐसे। तो स्टूडेंट ये माइनस का है, हमेशा जो भी चिन्ह बड़ा होगा उसी का ही आंसर आएगा। अगर प्लस का बड़ा होता है तो स्टूडेंट प्लस का आंसर आता है, माइनस का बड़ा होता है तो माइनस का आता है। तो ये माइनस के बड़े थे और प्लस के छोटे थे, तो इसलिए ये माइनस के ही आंसर आएंगे 37। ठीक है जी, तो इस प्रकार क्वेश्चन होना था। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे है ना, 15 मल्टीप्लाई 9, 12 मल्टीप्लाई 6 और 20 मल्टीप्लाई 10। ओके स्टूडेंट ऐसे है तो कर लीजिए, 15 9 जा 135 होंगे, है ना, और स्टूडेंट प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा लीजिए, 12 6 72। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा लिए, 20 10 200। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, पहले प्लस है, प्लस कर लेंगे स्टूडेंट, वंस में वंस वाली डिजिट ऐड करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, और 7 में 10 में 10 प्लस ऐड करेंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, कैरी 1 और 1 1 2, ये आ गया। तो स्टूडेंट हमने ये ऐड किया तो हमारे पास क्या बचा, 200। अब स्टूडेंट इसे भी माइनस कर लीजिए, 200 7 में से 200 माइनस कर दिए, क्या बचा जी, 7। तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जी सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जो डिजिट है ये 104 सेम का सेम लिखेंगे, क्योंकि हमें माइनस नहीं करना और माइनस का चिन्ह भी आना है। ठीक है जी, 13 6 कितने होता है, 78। अगर आपको स्टूडेंट नहीं पता हो, आप 13 की मल्टीप्लाई 6 से कर सकते हैं ऐसे, 6 3 18 कैरी 1, 6 1 6 और 1 7। तो देखो 78 ही आ गया। अगर आपसे टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्लस 23। अब माइनस 5 6 30। तो स्टूडेंट इतना हो गया है ना। अब देखिए जो ये रो आई हमारे पास, इसमें कौन कौन से साइन है आपके पास, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं, सबसे पहले हम प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं शुरू वाली जो भी नंबर होता है उसी नंबर में करते हैं, 104 प्लस 23 माइनस 78 माइनस 30। ओके स्टूडेंट, ये हमें अरेंज करना ही होगा। अगर शुरू में प्लस नहीं है यहाँ पे और प्लस बाद में है, तो उस प्लस वाली डिजिट को पहले नंबर पर ले आते हैं इसके साथ ऐड करने के लिए, और बाकी बाद में चली जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 104 में 23 जो ऐड करना है, 23 में 4 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं रफ कॉपी पे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमने क्या ऐड करा, ये ऐड करे, फिर जो बची हुई डिजिट है उसे हम सेम के सेम लिख देंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें से माइनस कर लेंगे,
देखिए 127 में था 78 माइनस कर लीजिए, ठीक है जी। 78 माइनस नहीं होने के यहाँ कितने हो गए, 17 हो जाएंगे, इधर वन रह जाएगा। स्टूडेंट 17 में से 8 गए तो 9, अब यहाँ 1 हो गए, यहाँ 11 हो गए। स्टूडेंट 11 में से 7 माइनस कर दिए, 4 बचेंगे, और यहाँ 0 थी और रहेगी तो यहाँ भी 0 होगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या लिखेंगे, 49। तो हमने स्टूडेंट इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 30। तो स्टूडेंट अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 49 में से 30 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 9 में से 0 माइनस होगी तो 9 ही रहेंगे, और 14 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब मल्टीप्लाई एक ये रही, एक ये मल्टीप्लाई रही और एक ये मल्टीप्लाई, ठीक है जी। सबसे पहले हमने 3 मल्टीप्लाई करने और बाकी डिजिट सेम की सेम लिखनी है। 520 माइनस 15 7 105 माइनस 7 8 56 माइनस 12 6 72। ओके स्टूडेंट, ऐसे हमने इसे कर लिया। अब देखिए हमारे पास माइनस 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 ये है, तो स्टूडेंट हम माइनस ही करते रहेंगे और क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसे माइनस करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ 5 है, 10 में से 5 माइनस कर दिए तो स्टूडेंट 5 बच गए, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर रह गए 1, 0 में से 1 गया 1, ठीक है जी। अब यहाँ है 4, 5 में से 1 गए 4, ठीक है जी। इतना कंप्लीट होगा, अब क्या बच गया हमारा, ये रह गया 56 माइनस 72, ठीक है जी। अब इसे भी माइनस कर लो, अब यहाँ 15 हो गए, 15 में से 6 माइनस कर दिया 9 रह गए जी, यहाँ 0 रह गई थी तो एक के इधर से ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, ठीक है स्टूडेंट। एक इधर चला गया था, यहाँ 3 रह गए थे, तो हमने ये वाला सोल्व कर लिया था ना। अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया है ना। अब स्टूडेंट इन्हें भी माइनस कर लीजिए, 9 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितने रह गए 7। अब 5 में से 7 नहीं जाने गए तो यहाँ 15 हो गए, 15 में से 7 गए 8 बच जाएगा। अब एक इधर के ही चले गए, यहाँ रह गए 2, तो 2 का 2, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई तो जी स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई देख लीजिए, ये रही हमारी मल्टीप्लाई और कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइव थ्री जा 15 कैरी 1, फाइव फाइव जा 25 वन 26 कैरी 2, और जी 5 सेवन जा 35 36 37। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया आपका, अभी नहीं क्या बच गया आपके पास, ये बच गया। तो ये हो गया जी। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट रो है इसमें देखेंगे क्या क्या चीज साइन है आपके पास, माइनस है प्लस है माइनस है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर माइनस है प्लस है तो हम उसे पहले वाली डिजिट में ही ऐड करेंगे, तो इस वाली डिजिट को इधर लाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, और ये कार्य सिर्फ तभी होता है जब
जो प्लस का साइन होता है वो शुरू में ना हो के बाद में हो। तो इस डिजिट को सेम के सेम लिखेंगे, तो अब इसे प्लस वाली को इधर ले आएंगे और माइनस वाली बाद में चली जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इन्हें दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 6 और 7 13, कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 3 और 1 4। अब इन्हें ऐड कर दिया जी, अब जो बच गए उन्हें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के लिए अब कॉपी पे कर लेते हैं। कर लीजिए जी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 17, यहाँ 2 रह जाएंगे क्योंकि 7 में से 9 माइनस ही नहीं हो सकता, है ना। तो स्टूडेंट 17 में से आपको कितने माइनस करने हैं, 9, तो कितने बच जाएंगे आपको, 8 बच जाएंगे। अब इधर रह गए 2, 2 में से 1 गए 1, यहाँ हो गए 10, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ रह गए 3। ओके स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ गया आपका, 37 18 आ गया जी। तो इसे आप यहाँ लिख लेंगे, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इन दोनों को भी माइनस कर देंगे, इसमें से यहीं पे ही कर लीजिए, 8 के 8 यहाँ कितने हो गए 11, तो कितने रह बच गए स्टूडेंट 3, यहाँ कितने रह गए 6, तो यहाँ 16 हो गए, 8 बच गए और ये 2। तो स्टूडेंट यहाँ आंसर आ गया, यह आंसर आ गया जी। ठीक है, अब जी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है माइनस है प्लस है, तो स्टूडेंट ये एक ही मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस डिजिट को हम सेम के सेम लिखेंगे, माइनस भी ऐसे लिखेंगे, 6 4 2 को भी सेम का सेम लिखेंगे और प्लस को भी। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो डिजिट है इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर लीजिए, 9 2 18 कैरी 1 और 9 7 63 और 1 64 कैरी 6 और 9 1 9 9 और 6 15। तो स्टूडेंट इन दोनों की जगह हम ये लिख देंगे 15 48 और -6 5 6। ठीक है जी, अब इस रो में देखिए माइनस है प्लस है माइनस है, तो स्टूडेंट अगर ये प्लस यहाँ पे होता शुरू में तो अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अब ये बीच में चला गया तो इसे शुरू वाली डिजिट में प्लस करेंगे। कैसे इधर ले आएंगे, माइनस के चिन्ह इधर चले जाएंगे सारे, ये चले गए स्टूडेंट इधर, अब इन्हें दोनों को ऐड कर लेंगे,
ठीक है जी, ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कर लेंगे। एट और फाइव 13 कैरी वन, 7 1 8 और 4 12 कैरी वन, और जी 3 1 4 और 5 9 और जी 2 1 3। तो क्या आ गया जी ऐड करके 2375 आ गया। ये तो पहले ही था, तो स्टूडेंट हम लिख देंगे 39 23। ठीक है, ये हो गया जी। अब माइनस कर लेंगे, अब स्टूडेंट से भी माइनस करना, 1 12 हो गए, 12 में से 4 माइनस कर दिए, 8 रह गए, यहाँ 8 रह गए, 8 में से 6 गए, 2 बच गए, और यहाँ स्टूडेंट 3। तो हमने ये वाला सोल्व किया स्टूडेंट, अब क्या बच गया हमारे पास -6 5 6। अब स्टूडेंट इसे इसमें से माइनस कर लीजिए 6 5 6। ठीक है जी, यहाँ हो गया 11 11 में से 6 गए 5 बच गए, अब यहाँ रह गए थे 7 7 में से 5 गए 2, अब यहाँ हो गए जी 12 12 में से 6 गए 6, अब यहाँ 2। तो स्टूडेंट ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है जी, अब है जी इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उन्हें भी कर लेते हैं। स्टूडेंट ये लैंग्वेज की क्वेश्चन है और पेज नंबर है जी आपका 50। सभी स्टूडेंट अपनी बुक ओपन करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए, स्वानी टुक 1880 मिनट टू पेंट ए पेट्रियट, हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू द कंप्लीट 45 सच ए पैट्रियट। तो स्टूडेंट इसे ध्यान से समझ लीजिए। यह कह रहा स्वानी जो है एक पिक्चर या चित्र को पेंट करने में 1980 यानी कि 1980 मिनट का समय लेती है एक चित्र को पूरा पेंट करने में, है ना। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल, वह कितना समय लेगी अगर ऐसे ही 45 चित्र और हो, बिल्कुल सेम एक ही सेम साइज़ के अगर 45 चित्र है तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लेगी। तो स्टूडेंट एक बात आप ध्यान रखें, अगर कभी भी एक चीज़ के बारे में आपको बताया गया हो और सेम ऐसी ही चीज़ों के बारे में अधिक चीज़ों के बारे में पूछता हो तो स्टूडेंट वह क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा, यानी कि एक चीज़ के दाम दिए हैं तो अधिक के पूछ रहा है, अधिक के ज़्यादा होंगे, है ना, तो ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम ये इसकी लैंग्वेज बनाएंगे तो स्टूडेंट बहुत समय लगेगा, इसलिए हमने लैंग्वेज पहले ही बना ली, आप उसे बस समझ लें। सुहानी टूक टाइम टू पेंट ए 48, है ना। जो सुहानी है उसे एक चित्र को पेंट करने में समय लगता है कितना स्टूडेंट, 1980 मिनट, इतनी मिनट लगती है। ओके स्टूडेंट, सी विल टेक टाइम टू पेंट 45 सच ए पैट्रियट, वह ऐसे ही 45 चित्र को पेंट करने में समय लेगी, कितना समय लेगी स्टूडेंट, ज़्यादा लेगी, तो हम इसे 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी,
5 0 0, 5 8 40, कैरी 4, 41 हुआ था। जो वंस वाली डिजिट है वो हमेशा यहाँ रहेगी, और जो 10 प्लेस पे होते हैं वो कैरी के लिए चली जाएगी। कभी भी डबल की डबल नहीं लिखते, ठीक है। तो 5 9 45 45 और 4 49, कैरी 4, 5 1 5 और 4 9, ठीक है जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो पहली वंस वाले डिजिट होती है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा के 4 से करते हैं। 4 0 0, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 9 जा 36, 36 और 3 39, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, तो स्टूडेंट अब ऐड कर लेंगे 0 0 9 2 11, कैरी 1 9 1 10 और 9 19, कैरी 1 7 और 1 8। तो स्टूडेंट इतने मिनट लेगी वो, और ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच पेट्रोल कैन बी फिल्ड इन 6590 बैरल्स इफ ईच बैरल कैन होल्ड 900 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि आपके पास में 6590 बैरल है ना, तो उनमें कितना पेट्रोल आएगा, है ना। तो ये बताना आपको इनमें कितना कितने लीटर पेट्रोल आएगा, जबकि एक बैरल में 900 लीटर आता है, एक में तो 9 आता है। तो स्टूडेंट जो ये दिए गए हैं तो इनमें कितना आएगा, तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो करिए देखो टोटल बैरल्स कितने हैं हमारे पास, ये है जी 6590। ईच बैरल कैन होल्ड पेट्रोल, यानी कि एक जो बैरल है उसमें कितने लीटर पेट्रोल आता है, 900। तो 6590 बैरल कैन होल्ड द पेट्रोल, तो स्टूडेंट 6590 बैरल में कितना तेल आ सकता है, है ना। तो वो देख लेते हैं, तो स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जीरो है स्टूडेंट, सारी ऊपर की डिजिट जीरो हो जाएंगी, एक क्रॉस लगाएंगे फिर जीरो है, तो फिर सभी जीरो हो जाएंगी। 4 डिजिट है ऊपर, 4 की 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट और कर रहे थे और 2 क्रॉस आएंगे। अब 9 से 9 0 0, 9 9 जा 81, कैरी 8, और 9 5 जा 45, 45 और 8 53, 5, और जी 9 6 जा 54 और 5 59। तो 0 0 0 1 3 9 5 लीटर पेट्रोल। तो स्टूडेंट
जो ये है 6519 बैरियल, उनमें इतने लीटर पेट्रोल आएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जी। देयर आर 90 स्टूडेंट इन ए कॉलेज एंड ईच स्टूडेंट 5 बुक्स, ईच बुक हैज 1355 इमेजेस, हाउ मैनी इमेजेस आर देयर इन ऑल। स्टूडेंट एक विद्यालय है, कॉलेज है, स्कूल, उसमें 90 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के पास 5 बुक्स है, तो स्टूडेंट एक के पास 5 है तो 90 के पास कितनी हो जाएंगी, हाँ जी, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे पता चल जाएगा। फिर स्टूडेंट जो ईच बुक है, एक बुक में 1355 इमेजेस है, हाँ जी, तो जितनी बुक है हो जाएंगी मल्टीप्लाई करके, उनमें कितनी इमेजेस होंगी, तो स्टूडेंट उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 90, ईच स्टूडेंट हैज बुक, एक स्टूडेंट बुक कितनी रखता है 5, तो हमने 90 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें ये पता चल जाएगा स्टूडेंट कितनी बुक है हमारे पास, तो 5 0 0 5 9 जा 45, तो स्टूडेंट ये बुक हो गई है, सो द टोटल बुक इज इक्वल टू 450। ठीक है जी। ईच बुक हैज इमेज, एक बुक में इमेज कितनी है 1355। ओके स्टूडेंट, सो 450 बुक्स हैव इमेजेस, तो इसलिए स्टूडेंट 450 बुक में इमेजेस कितनी होंगी, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सारी डिजिट जीरो हो जाएंगी। ठीक है जी। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 और 2 26 27, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, कैरी 1, और 5 1 जा 5 और 1 6, अब 2 क्रॉस आ जाएंगे, एक पहले डिजिट के नीचे एक दूसरी के, अब 4 से करेंगे जी, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 4 3 जा 12 12 और 2 14, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, अब ऐड कर लीजिए, 0 की 0, 5 का 5, 7 का 7, 7 2 9, और 6 और 4 10, की 0 कैरी 1 और 5 और 1 6। तो स्टूडेंट, तो 450 जो बुक है उनमें कितनी इमेजेस होंगी, 60,000 6,09,750 इमेजेस। तो जी ये भी क्वेश्चन हो गया, आपको सॉल्यूशन नंबर है जी आपका 5। सॉल्यूशन 5, ट्रीसा एंड रीमा जॉइनिंग स्विमिंग क्लासेस ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन फॉर 1 मंथ। स्टूडेंट ट्रीसा और रीना ने अपनी गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने के लिए स्विमिंग की जो क्लासेस हैं, तैराक, जिसमें तैराकी सिखाई जाती है, तैरना सिखाया जाता है, स्टूडेंट में 1 महीने के लिए उन्होंने ज्वाइन की। द फीस फॉर स्विमिंग क्लासेस 1350 पर मंथ
पर पर्सन फॉर वन मंथ। तो स्टूडेंट जो एक महीने की फीस है स्विमिंग क्लासेस की वो 1,350 रुपये है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है जी। दे गिव 3,000 टू द इंस्ट्रक्टर, हाउ मच मनी शुड दे गेट बैक। तो उन्होंने जो वहाँ का मैनेजर था है ना, तो उसे 3,000 रुपये दिए, तो उसने उन्हें कितने रुपये वापस किए। तो स्टूडेंट पहले तो हम ये देख लेंगे भाई वे एक महीने की फीस कितनी है, 1,350। तो दो व्यक्ति हैं, एक कितनी है, तो दो की कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आएगा स्टूडेंट उसे उन्होंने कितने रुपए दिए, 3,000, तो 3,000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा, देख लीजिए आप। वन पर्सन पे फीस फॉर वन मंथ, एक व्यक्ति के लिए एक महीने की फीस है थ्री स्टूडेंट। और टू पर्सन कौन है, त्रिशा एंड रीना, तो हमने इन्हें ब्रैकेट में लिख दिया, टू पर्सन हो गए स्टूडेंट। पे फीस फॉर वन मंथ, तो उन दोनों ने एक महीने के लिए फीस कितनी दी जी, 200, 2 5 10 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2। तो स्टूडेंट ये उन्होंने फीस दी दोनों ने एक महीने के लिए, ये तो उनकी हो गई एक महीने की फीस दी। दे पे टोटल मनी, उन्होंने इतना धन जो है वो चुकाया। दे गिव मनी टू इंस्ट्रक्टर, उन्होंने इंस्ट्रक्टर को कितने रुपए दिए, 3,000। दे पे टोटल मनी फॉर वन मंथ, वन मंथ के लिए उन्होंने टोटल कितना धन देना था स्टूडेंट, 2,700। अब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे, दे गेट बैक, उन्हें वापस धन कितना मिला, 0 0 या 10 हो गए, 10 में से 7 माइनस कर दिए, 3 और जी 0 और स्टूडेंट उन्हें 300 रुपये वापस मिले, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 6, सोल्यूशन नंबर 6 देखना जी। ए स्कूल हैज 2,146 स्टूडेंट, एक स्कूल में 2,146 विद्यार्थी है। देर आर 14 स्कूल बसेस, उस विद्यालय में 14 यानी कि 14 स्कूल की बसें है। इफ 85 स्टूडेंट ट्रेवल इन ईच बस, यदि एक बस में 85 स्टूडेंट यात्रा करते हों जाते हों, हाउ मैनी स्टूडेंट कम टू स्कूल बाई द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे वाहनों से स्कूल आते हैं, साइकिल से, कार से, या अपने वाहनों से आते हैं, तो स्टूडेंट में कितने होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बस से स्कूल आते हैं। तो स्टूडेंट कितनी बसें हैं, 14, एक बस में कितना है, 85, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें वे स्टूडेंट आ जाएंगे जो बस के द्वारा स्कूल आते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है इसमें से हमें बस के द्वारा आने वाले स्टूडेंट को इनमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो स्टूडेंट जो भी शेष बचेगा, जो स्टूडेंट बचेंगे वे ही दूसरे वाहनों से आते हैं, है ना, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि दूसरे वाहनों से आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। स्टूडेंट ट्रेवल इन ईच बस, है ना, एक बस से कितने स्टूडेंट आते हैं, यात्रा करते हैं, 85। नंबर ऑफ द बसेस, टोटल बस कितनी है स्टूडेंट, 40 14, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो द टोटल स्टूडेंट ट्रेवल इन द बस, इसलिए बस से यात्रा करने वाले जो स्टूडेंट हैं वे कितने हो गए, 5 4 20 कैरी
टू आ जी फोर एट जा 32 आ टू 34 अब फाइव वन जा फाइव आर जी वन एट जा एट जीरो नाइन अलेवन ओके स्टूडेंट। तो ये इतने स्टूडेंट जो है जो बस से यात्रा करते हैं अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल ये है जी 2146 टोटल स्टूडेंट ट्रेवल इन द बस वे ये है जी हम इसे इनके नीचे लिख देंगे अब इन्हें माइनस कर देंगे नंबर सो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट यूज अदर ट्रांसपोर्ट तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अदर दूसरे वाहनों का प्रयोग करते हैं तो वे यहाँ आ जाएंगे सिक्स का सिक्स हाँ जी यहाँ कितने हो गए जी 15 हो गए और 14 हो गए स्टूडेंट वन के लिए इधर आ गया था ना 14 हो गए 14 में से फाइव नाइन गए फाइव अब यहाँ जीरो रह गई थी यहाँ 10 हो गए 10 में से वन गए नाइन अब स्टूडेंट एक इधर चला गया था यहाँ भी वन रह गए थे तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गए जीरो तो स्टूडेंट यही आंसर आ गया तो कितने स्टूडेंट हैं 956 स्टूडेंट हैं जी जो दूसरे वाहनों से आते हैं ठीक है स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन नंबर 7 टू ब्रदर वर्क एज कार मैकेनिक इन टू डिफरेंट वर्कशॉप स्टूडेंट दो भाई हैं वे अलग अलग जो वर्कशॉप हैं इनके कार्य करने की दुकान है कार के मैकेनिक हैं दोनों अलग अलग जगह काम करते हैं वन अर्न 3215 पर मंथ एंड अदर अर्न 3576 पर मंथ व्हाट इज देयर टोटल अर्निंग इन वन ईयर तो स्टूडेंट जो एक भाई है वो अलग जगह काम करता है और एक महीने में 3 रुपये कमाता है और जो दूसरा भाई है वो दूसरी जगह काम करता है और वो पर मंथ 3 रुपये कमाता है तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि साल भर में दोनों की इनकम कितनी होगी एक साल में ठीक है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे दोनों की एक एक महीने की जो इनकम है इनके आमदनी उन्हें ऐड कर लेंगे तो दोनों की एक महीने की आमदनी हमें पता चल जाएगी टोटल ठीक है जी अब फिर हम जानते हैं कि एक साल में 12 मंथ होते हैं है ना तो स्टूडेंट अब हम 12 मंथ की निकाल लेंगे एक मंथ की पता हमें तो 12 की निकाल लेंगे क्यों निकाल लेंगे क्योंकि 12 मंथ कह लो या फिर वन ईयर बात एक ही है एक साल यानी कि 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं या 12 महीने में एक साल होता है ना तो स्टूडेंट तो इसलिए हम 12 महीने की निकालेंगे तो वन ईयर की निकल जाएगी ठीक है जी तो देखिए फर्स्ट ब्रदर अर्न पर मंथ इतने रुपीस सेकंड ब्रदर अर्न पर मंथ इतने रुपीस टोटल इनकम पर मंथ तो उनकी दोनों की टोटल इनकम कितनी हो गई जी 6 और 5 11 7 1 8 और 1 9 आर जी 5 और 2 7 और 3 2 6 तो वे दोनों मिलकर स्टूडेंट 6791 रुपीस कमाते हैं है ना ये रुपये में कमा रहे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला कोई पूछने लगेगा फिर नहीं भाई 12 कहाँ से आ गए तो इसने तो भाई एक साल के पूछे थे तो हमने लिख दिया यहाँ पे वी नो डैट हम जानते हैं कि वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स एक महीने एक साल में 12 महीने होता है टोटल इनकम पर मंथ तो एक महीने में दोनों की आमदनी कितनी हो रही स्टूडेंट 6791 अब तो और
द इनकम विल बी इन वन ईयर या 12 मंथ, 12 मंथ या 12 मंथ्स, ठीक है जी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 2 9 18 कैरी 1, 2 7 14 1 15 कैरी 1, 6 2 12 1 13। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट सेम की सेम आ जाएगी, 1 का 1, 9 का 9, 7 का 7, 6 का 6। अब इन्हें ऐड कर लें, 2 9 4 1 8, तो स्टूडेंट उसकी जो आमदनी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 81,492 रुपीस एक साल की दोनों की जो इनकम है वो इतनी हो जाएगी अर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 63 बैग आर फिल्ड विद कॉइन्स। स्टूडेंट 63 बैग है जो कॉइन के भरे हुए हैं, सिक्कों के भरे हुए हैं, देयर आर 352 कॉइन इन ईच बैग, एक बैग में 352 सिक्के हैं। स्टूडेंट हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन ऑल, तो 63 बैग में कितने कॉइन हैं ये पूछा गया, कितने सिक्के हैं स्टूडेंट, तो ज़्यादा के होंगे, एक में इतने हैं तो 63 में कितने होंगे, अधिक अधिक के लिए हमेशा मोर के लिए मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ द कॉइन इन ईच बैग 352, टोटल बैग्स इज इक्वल टू 63, हाँ जी, सो द टोटल कॉइन कितनी हो जाएंगी, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 1 10, अब 6 2 12 कैरी 1, 6 5 30 1 31 कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, तो स्टूडेंट इतनी कॉइन थी बैग में। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज आपको आपकी एक्सरसाइज 3.3 तो ये कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट उम्मीद है कि ऐसे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है कहीं तो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अरे भाई रे।